लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश में चल रहे लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में कई फिल्मों की रिलीज पहले ही टल चुकी है। अब मई महीने में आने वाली फिल्मों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या 4000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। लॉकडाउन की समय सीमा वैसे तो 14 अप्रैल को पूरी हो रही है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि इसका असर आगे भी रहने की संभावना है। 1 मई को वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 रिलीज होने वाली है, मगर अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यह फिल्म आगे खिसकाई जा सकती है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के अनुसार मेकर्स फिल्म को जून या जुलाई में ले जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला मौजूदा परिस्थितियों के नियंत्रण में आने के बाद ही लिया जाएगा। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि मेकर्स इस बारे में कोई फैसला तब ही करेंगे जब स्थिति सामान्य हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान 24 मार्च की मध्य रात्रि से किया था, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। लॉकडाउन हटने के बाद भी कोरोना वायरस को लेकर एहतियाती कदम जारी रहने की संभावना है, जिसके चलते लोग सिनेमा घरों में जमा होने से डरेंगे। इसीलिए निर्माताओं ने भी एहतियात बरतते हुए अप्रैल फिल्में रिलीज न करने का फैसला किया। अप्रैल में रणवीर सिंह की 83 जैसी बड़ी फिल्म की रिलीज टल चुकी है। इससे पहले रोहित शेट्टी की फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी, मगर मेकर्स ने देश में हालात के मद्देनजर इसकी रिलीज पोस्टपोन कर दी थी। मई में सलमान खान की राधे और अक्षय कुमार की लक्ष्मी बामिद पर आने वाली है। हालांकि राधे को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं उससे इसके भी टलने के कयास लगाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते राधे की शूटिंग पूरी नहीं हो सकी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते फिल्म का थाईलैंड शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा था। इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। सिर्फ 8 से 10 दिन की शूटिंग बाकी थी। मार्च के अंत तक फिल्म का बचा हुआ काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, मगर मेकर्स ने हालात को देखते हुए फैसला किया कि 19 मार्च से शूटिंग नहीं होगी। इसी बीच 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। जाहिर है कि दूसरी तिमाही के 2 महीने फिल्म इंडस्ट्री पर भारी गुजरने वाले हैं।